भारत में धार्मिक उत्सवों के दौरान लोगों का जोश देखते ही बनता है। बात चाहे भीड़ की हो, जश्न या जोश की, इरादा होता है जो करो दिल खोल कर करो। जब हम मिलकर काम करते हैं, अपने दिलों को एक करते हैं, तो भगवान हमारे जरिए चमत्कार करते हैं। देश के एक कोने से दूसरे कोने की यात्रा करता है, वो भी रातों रात पूरे इंतजाम के साथ। हम 3 ट्रक लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, रात भर में किचन सेट करते हैं, और जैसे ही किचन सेट होता है, खाना बनाने वाली टीम सुबह 4 बजे से खाना बनाने लगती है। ठीक समय पर उन हजारों भक्तों को खाना खिलाने के लिए जो निकले हैं आध्यात्मिक यात्रा पर। ये किचन जितनी सफाई से तैयार की जाती है, उतनी ही तेजी से समेट भी ली जाती है। स्वागत है इस्कॉन की यात्रा किचन में। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसा है वृंदावन। ये शहर आज के भारत में भी उतना ही अहम है जितना कि हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि यही वो जगह है जहां भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। जंगलों में गायों, गौशालाओं और अपने खूब सारे गोप गोपियों के बीच, और आज भी श्री कृष्ण के लाखों भक्त उनके दर्शन करने, उनकी पूजा करने और उसका एहसास करने आते हैं, जिसे लोग कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस्कॉन या इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के मेंबर्स के लिए वृंदावन एक पवित्र धाम है, खासकर अक्टूबर और नवंबर में, जो हिंदू कैलेंडर में बहुत पवित्र दिन माने जाते हैं, जिसे कहते हैं कार्तिक मास। कार्तिक मास के वक्त वृंदावन उस अनोखी रोड ट्रिप का गढ़ बन जाता है जिसे ऑर्गेनाइज करता है इस्कॉन, और जिसे कहते हैं यात्रा। संस्कृत के शब्द यात्रा का मतलब है जर्नी, स्पिरिचुअली भी और लिटरली भी, जिसमें सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफर तय करके दुनिया भर से भक्त यहाँ पहुँचते हैं। 11 दिन वो एक से एक पवित्र मंदिरों और धामों की परिक्रमा करते हुए शुरू के 6 दिन वृंदावन में और फिर आखिरी 5 दिन पास के गोवर्धन में बिताएंगे। इससे उनकी आध्यात्मिक जरूरतें तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स को उनकी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करना होगा। और उनके साथ ही पहुंचता है गोवर्धन इको विलेज से आया ट्रक। एक एक करके किचन का सारा सामान जमा हो जाता है। सबसे खास बातों में से एक बात ये है कि हम जो दूध और घी का इस्तेमाल करते हैं, वो घी और बाकी सब अहिंसा सोर्सेज से ही आए। अहिंसा सोर्सेज का मतलब है कि वो गाय जो यहाँ पूरे जीवन के लिए सुरक्षित है। अहिंसा पुरानी हिंदू परंपरा है, और इस्कॉन की गौशालाओं में इसके मायने हैं गायों की उनके दूध देने की उम्र के बाद भी सेवा करना। माना जाता है कि खुश रहने वाली गाय कम टॉक्सिन्स रिलीज करती हैं, जिससे उनका दूध और उससे बनने वाली चीजें सबकी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। हम में से ज्यादातर के लिए अभी रात ही है, लेकिन यात्रा किचन में काम शुरू हो गया है। यहाँ जितने भी भक्त हैं, सबका दिन सुबह 2 बजे से 2:30 बजे तक शुरू हो जाता है। सुबह हम अपनी प्रार्थना करके भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेते हैं। तो कॉन्शियसनेस यही है कि हम भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं। 3 घंटे से भी कम वक्त में ये उन 5,000 से ज्यादा भक्तों की 11 दिन की सर्विस में पहला मील सर्व करेगी जो यात्रा के लिए वृंदावन आए। आज हम उपमा बना रहे हैं, ये होगा करीब 325 किलो, और साथ में रसम जो होगा 700 लीटर। उपमा एक पारंपरिक साउथ इंडियन डिश है। ये भुनी हुई सूजी, सब्जियों और मसालों को मिलाकर बनाया जाता है। रसम भी एक पारंपरिक साउथ इंडियन रेसिपी है। ये एक मसालेदार सूप है जो दाल, इमली और टमाटर से बनता है। सबसे पहले हम टमाटरों को पानी में उबालते हैं, और अभी हम ऐसा 50-50 किलो के 6 बैचेस में कर रहे हैं, और हर एक बर्तन में 30 किलो सब्जी है। यहाँ 100 से ज्यादा वॉलंटियर्स
सन्यासियों के साथ मिलकर सब्जियां काट रहे हैं। इस सब पर नजर रख रहे हैं सतभुज दास, जो प्रोजेक्ट लीडर जैसे कम और फैमिली मैन जैसे ज्यादा दिखते हैं। वॉलंटियर्स को बताया जाता है कि तय मानकों के हिसाब से कैसे सब्जियों को काटना और छीलना है और कैसे उनको चॉप किया जाना है। अगर आप कैमरा घुमाएं तो पाएंगे कि यहाँ तकरीबन हर किसी के चेहरे पर स्माइल है और यही चीज मुझे यहाँ पे बहुत स्पेशल लगती है क्योंकि उनको यहाँ पैसा नहीं मिलता। ये लोग यहाँ सुबह सुबह आ जाते हैं और कितनी सारी सब्जी काटते हैं। घर पे ये लोग नहीं करते होंगे पर यहाँ खुशी खुशी करते हैं। यहाँ ऐसे लोग हैं जो अरबपति हैं और वो ऐसे आदमी के बगल में बैठा है जो बहुत ही ज्यादा गरीब है, लेकिन यहाँ कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा कि इस भिंडी को एक अमीर ने काटा है, इस भिंडी को एक गरीब ने काटा है तो मैं तुम्हारी भिंडी नहीं खाऊंगा। यहाँ हर कम्युनिटी के लोग आते हैं चाहे वो कहीं से भी ताल्लुक रखते हों और वो सब साथ मिलकर भिंडी काट रहे हैं क्योंकि वो भगवान के भक्तों के लिए। पहला बैच तैयार है और इस पहले बैच का भोग लगाया जाएगा भगवान श्री कृष्ण को। भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही लोगों को खाना खिलाने का काम शुरू किया जा सकता है। ब्रेकफास्ट प्रसाद के यहाँ आने पर हम उसे टब्स में ट्रांसफर करते हैं, छोटे बर्तनों में, और काउंटर्स पर रख देते हैं। हजारों श्रद्धालुओं को आठ सर्विस काउंटर्स से खाना सर्व किया जाता है जिससे भीड़ तेजी से बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ती रहती है। सर्व करने वाले बफे स्टाइल में प्रसाद को थाली में रखते जाते हैं। दिन की शुरुआत होती है शानदार उपमा से। दूसरी तरफ मसालेदार रसम रग रग में जोश भर देता है। आज हमने उपमा खाया, वेरी नाइस उपमा, वेरी टेस्टी, और हाँ रसम भी। ये वाकई कमाल का है। मुझे लगता है ये दुनिया में सबसे अच्छा प्रसाद है। यहाँ लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ है मगर जिस तरह से ऑर्गेनाइजर्स ने इसे मैनेज किया है वो वाकई कमाल है। जब आप लाइन में खड़े होते हैं तो लगता है कि आपको आधा घंटा या पौना घंटा लग जाएगा मगर 10 मिनट के अंदर आपका नंबर आ जाता है। प्रसादम इज वेरी गुड एंड मुझे खुशी है कि इसमें बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी है। लकी किचन का क्रू सुबह सुबह का उठा हुआ है लेकिन अभी आराम नहीं है। अभी 5,000 से ज्यादा लोगों का लंच जो तैयार करना है। यहाँ से श्रद्धालु रोजाना सैकड़ों बसों में सफर पर निकलेंगे फिर वापस लौटेंगे और जब वो लौटेंगे तो वो भूखे होंगे, इसलिए हम ध्यान रखते हैं कि सब कुछ समय पर तैयार हो।